नमस्कार दोस्तों, आपका KDH सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हम लगातार फाल्गुन महोत्सव की धूम सुजला अंचल की आपको दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ में हो रहे ऐतिहासिक अनेक कार्यक्रम आपको हमने दिखाए। अब हम पहुंचे हुए हैं सुजला अंचल के लाडनू तहसील के मंगलपुरा ग्राउंड में, जहां पर बहुत ही सुंदर गैर नृत्य होली का, जिसे हम घुंझड़ कहते हैं राजस्थानी भाषा में, गेंदड़ नृत्य का शानदार आयोजन होता है। आज चूंकि होली की दुलंडी का दिवस है, तो दुलंडी के दिवस की सबसे पहले आप सभी को होली की राम राम कहता हूं और मंगलपुरा ग्राम की आपको बहुत ही सुंदर गेंदड़ नृत्य का आयोजन आपको दिखाता हूं और बातचीत भी करेंगे गेंदड़ नृत्य के आयोजन करने वालों से भी। हम भी पहुंचे हुए हैं अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ मंगलपुरा ग्राम लाडनू तहसील। ये देखिए विचित्र वेशभूषाओं के साथ मंगलपुरा ग्राम में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है इस कार्यक्रम को लेकर के। मंगलपुरा ग्राम की विचित्र वेशभूषाओं के साथ गेंदड़ नृत्य राजस्थानी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ। Thank you.
हम इस वक्त खड़े हैं मंगलपुरा ग्राम में, लाडनू तहसील के सुजला अंचल का एक विशेष गांव है और यहां पर भी जबरदस्त उत्साह रहता है होली के महोत्सवों को लेकर के, और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर लोग बाग इकट्ठे होते हैं और इस गेंदड़ महोत्सव का आनंद लेते हैं, होली महोत्सवों का आनंद लेते हैं। यहाँ भी धूम कोई कम नहीं होती। यहाँ पर जो एक गेंदड़ समिति है उससे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ में सज्जन हैं जो मंगलपुरा से हैं, इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं अपना। मेरा नाम पूनम चंद टाग है और मैं लॉन्ग टाइम से इसे जुड़ा हुआ हूँ और हमारे ये देन हमारे पिताजी श्री सुखाराम जी टाग की देन है। ये कितने साल हो गए यहाँ पर आयोजन होते हैं? इस आयोजन को सैकड़ों साल हो गया, सैकड़ों साल हो गए। और अब की जो युवा पीढ़ी है उसमें किस तरह का उत्साह है? अभी युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत अच्छी तरह आप सामने देख रहे हैं, जो अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारे, और बहुत युवा पीढ़ी का जोश है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय बताएं, अपना नाम बताएं। भवनलाल इंदौरिया। पर कितने समय से यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है और मतलब जो ये कब शुरू होता है और कब इसका मतलब जो कब तक समापन होता है? कितने? 11 से शुरू हुआ, 11 से और आज समाप्त होगा दुलंडी को। हाँ, 11 से लेके दुलंडे तक ये चलता है। कितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? अब देख लीजिए आप, हजारों। और अब की जो युवा पीढ़ी है, युवाओं में किस तरह का इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह है? ज्यादा युवा पीढ़ी है और हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो इस आयोजन को लेकर के बाद में जो इसमें कोई कॉम्पिटिशन या प्रतियोगिता होती है क्या है? ये प्रतियोगिता करते हैं, ऐसे इनाम रखा हुआ है। नाम बताओ पहले अपना। चंपालाल जी, पंच है। चंपालाल जी, यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता जो आयोजित होती है उसमें किस तरह से इनाम दिया जाता है, क्या है प्रतियोगिता यहाँ की? चंपालाल जी पंच है ना, ये हमारा घर है, ये सामने होली की प्रतियोगिता है। यहाँ पर जो इनाम रखे हुए वो किन को मिलेंगे, इनाम के लिए क्या है यहाँ पर? अच्छा नाचने वाले को। 86 वर्ष को हूँ, मारा हूँ नीचा से नाचने वाला ओछा थोड़ा हुआ है। आप अभी अभी भी आप लकड़ी लेके आए डांस करेंगे? नृत्य करते हैं आप? नृत्य करते हैं क्या आप? गेंदड़ खेलते हैं क्या आप? सुगा मथा पीऊंगा नहीं, बीड़ी पीऊंगा नहीं, पूरी को नहीं खाऊँ, राबड़ी दूध दही मैं क्यों खाऊँ? बीड़ी को भी बेचू, मारा दुकान है, मैं खुद बेचू सिगरेट यार पीऊंगा नहीं कहीं। बिल्कुल, ये चंपालाल जी हैं जो 86 वर्ष के हैं और आज भी देखिए लकड़ी लेके आए हैं और गेंदड़ खेलने का ताकत रखते हैं, अपने जोश रखते हैं। ये कहते हैं कि नशा मुक्ति ही सबसे बड़ा इसका कारण है, युवा है जो नशा छोड़े और दूध दही खाए तो इनकी तरह से जवान रह सकते हैं 86 वर्ष तक।
देखिए ये विचित्र वेशभूषा के साथ यहाँ मंगलपुरा लाडनू में बहुत ही शानदार गींदड़ नृत्य, जिसे हम गेर नृत्य कहते हैं, का आयोजन होता है और सैकड़ों हजारों सालों से ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। एक देखिए ये विचित्र वेशभूषा में साधु के वेश में हमारे साथ में है। सबसे पहले हम उनसे परिचय जानते हैं, अपना नाम बताएं सर। सीताराम जी। सीताराम जी आप कितने साल के हो गए और कितने सालों से ये गींदड़ नृत्य खेलते हैं? मैं 50 साल का हो गया, नाचते नाचते 20 साल हो गए। बहुत अच्छा है। और पिछले साल क्या बन के आए थे? यही साधु का सांगे हमारा, हर बार साधु बनते हैं। साधु का सांगे, बिल्कुल साधु के वेश में हर बार ये गींदड़ नृत्य खेलने के जाते हैं। विचित्र वेशभूषाओं के साथ ये नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है यहाँ पर और हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर भाग लेते हैं। मोहनलाल सैनी, 20 साल से साथ में नाचते हैं हम लोग, दोनों दोस्त हैं। हाँ, जुड़ी जोड़ी हमारी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आयोजन है और जबरदस्त उत्साह है लोगों में यहाँ पर। मंगलपुरा लाडनू का ये दृश्य है, जहाँ पर गींदड़ नृत्य, गेर नृत्य जिसे कहते हैं, उसका जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों में है और सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ पर ये नृत्य का आयोजन होता है और बहुत ही सुंदर आयोजन है। बातचीत करते हैं कुछ यहाँ पे लोग बाग से। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले अपना थोड़ा नाम बताएं, परिचय बताएं। कैलाश सैनी। कैलाश जी आप यहाँ मंगलपुरा से हैं क्या? हाँ सर, मंगलपुरा से हैं। ये आपने जो ये ड्रेस पहनी है, एक मिनट थोड़ा लाइट दो यार, ये जो ड्रेस पहनी है ये किसकी ड्रेस है? ये सर कैटरिंग की ड्रेस है। ये आप कैटरिंग के ड्रेस पहन कर आए हैं, कितने लोग हैं आप? हम 8 सात जने हैं, 7 लोग हैं। तो ये हर साल आप गिंदड़ खेलने आते हैं? हाँ सर, हर साल गिंदड़ खेलने आते हैं। पिछले साल भी यही ड्रेस था क्या? नहीं नहीं, दूसरा ड्रेस था। दूसरा क्या था? वो भी कैटरिंग का ड्रेस था पर दूसरा ड्रेस था। आपका नाम क्या? किरण कुमार। किरण कुमार जी, मैं नाम बताया था। मेरा नाम विशाल सैनी है। विशाल जी, कितने सालों से आप गिंदड़ खेल रहे हैं? सर मैं 10 साल से गिंदड़ खेल रहा हूँ, मैं 22 साल का हो गया। ये आयोजन कितने सालों से हो रहा है? ये आयोजन मुझे 98 से हो रहा है, मेरे बचपन से हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा सुकर सैनी है। और आपकी जो ड्रेस वाले और कहाँ पर है, आपका भी नाम बताइए सर। अजीत पाल। अजीत जी, कितना जोश है यहाँ पर, आप कितने सालों से खेल रहे हैं? सर हम 5 सालों से खेल रहे हैं, पिछले साल से। और यहाँ इस बार का आयोजन कैसा है? इस बार का आयोजन पहले से अच्छा है, काफी प्रगति हो रही है सर। बिल्कुल, यहाँ पर विचित्र वेशभूषाओं के साथ अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार इस आयोजन को लेकर बहुत सारा उत्साह भी लोगों में है। एक और देखिए विचित्र वेशभूषा है, ये दूल्हे का तो आपने ये कंठा पहना है और नीचे घाघरा है, मतलब ऊपर से तो दूल्हा है और नीचे से दुल्हन है। सर आपका नाम क्या है? जगदीश है मेरा नाम। जगदीश जी आप कितने सालों से यहाँ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं? करीब 35 साल से ही नाच रहा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रोग्राम। यहाँ मंगलपुरा में रहते हैं? मंगलपुरा में रहते हैं। और कितना यहाँ मंगलपुरा के लोगों में इस चीज़ को लेकर के चाव है? मंगलपुरा में उत्साह बहुत अच्छा उत्साह है इस लोगों को, होली को लेकर त्यौहार को। हम इसी तरह परंपरा से करीब 25 सालों से यहाँ मंगलपुरा में ये प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है। बिल्कुल, मंगलपुरा में इस कार्यक्रम को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। हम होली महोत्सवों की हमने बहुत सारी कवरेज दिखाई, सुजानगढ़ की आपको बहुत सारी कवरेज दिखाई, अब ये लाडनू के मंगलपुरा की कवरेज है। हाँ सर नमस्कार। नाम क्या आपका सर? मेरा नाम कुंदन मल टाग है। बिल्कुल, आप कितने वर्ष के हो गए आप? 57 वर्ष के। 58 वर्ष के हो गए। आप यहाँ गेंदा नृत्य खेलते हैं क्या? आई होली पे। कितने सालों से खेल रहे हैं? 50 सालों से। 50 सालों से यहाँ पर खेल रहे हैं। और इस बार कैसा आपको देखने को मिल रहा है, आप युवाओं में जो उत्साह है? युवाओं बहुत जोश है, युवाओं तो बहुत जोश है भाई, हम बहुत खुशी हम तो कर रहे हैं। ऐसे में बहुत यहाँ का अच्छा माहौल देखकर बहुत खुशी। बिल्कुल, यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के है और महिलाएं और पुरुष हजारों की संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर के भाग लेते हैं। आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम का और ज्यादा आनंद लेते हैं हम भी इस होली महोत्सव का।
हमारे सुजला अंचल में इस बार 2019 में होली महोत्सव की जबरदस्त धूम है और चारों ओर फाल्गुन महोत्सव और होली महोत्सव मनाया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो आयोजित होते हैं। इसी में एक है, ये हमारा लोक पारंपरिक नृत्य घेंदड़ नृत्य का आयोजन। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम लाडनू तहसील के मंगलपुरा ग्राम से, सुजला अंचल से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।